नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं जो परदेसी परदेसी जाना नहीं जो सॉन्ग है। इस सॉन्ग में जो स्टार्टिंग में जो म्यूजिक पार्ट बजा है बहुत ही शानदार म्यूजिक पार्ट है। आप इस म्यूजिक पार्ट को इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट बजाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस म्यूजिक पार्ट को हिंदी नोटेशन के साथ बड़ा ही सरल करके हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। आप एक बार में ही कंप्लीट म्यूजिक बजाना बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर ना लगाते हुए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सॉन्ग की स्केल की। तो हम इस सॉन्ग में जो स्केल यूज कर रहे हैं वो है तीसरा काला मेजर। तो तीसरे काले से हम इस म्यूजिक पार्ट को बजाना सीख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं इस म्यूजिक पार्ट में एक फ्लक का साउंड यूज हुआ है। देखिए, फ्लक का साउंड ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूजिक पार्ट में ये फ्लक का साउंड फैले हुआ है और इसी के साथ एक म्यूजिक पार्ट फैले हुआ है। तो इस म्यूजिक पार्ट को छोटे छोटे भागों में सीखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट बजाते हैं, फिर उसको सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहले दो बार सा, फिर एक बार रे और गा, फिर तीन बार हमें बजाना है पा। फिर से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे म्यूजिक पार्ट की सेकंड लाइन। तो इसको पहले इसको भी हम बजाते हैं, फिर इसको भी सीखेंगे। देखिए, यानी धा और पा, फिर शुद्ध गा और कोमल गा, और लास्ट में तीन बार फिर से शुद्ध गा। अब इसको फिर से देखिए आराम से। ठीक है, अब हम पहली लाइन और दूसरी को बजाते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चले। देखिए, ठीक है, अब सीखते हैं फ्लक की तीसरी लाइन को। पहले बजाते हैं, फिर सीखते हैं। देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहला शब्द है गा सा गा सा, ठीक है, गा सा दो बार, और लास्ट में तीन बार हमें बजाना धा। यानी देखिए आराम से, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों फ्लक की नेक्स्ट और आखिरी लाइन आती है उसको भी बजाते हैं, फिर उसको भी सीखेंगे। देखिए, यानी गा सा, फिर दूसरी बार में गा और धा, ठीक है, और लास्ट में बजाना है तीन बार सा। यानी फिर से देखिए, अब दोस्तों हमने जो फ्लक का साउंड बजाया है इसमें टोटल चार लाइनें फिले की हैं। तो इन चारों लाइनों को मैं एक साथ आपको आराम से बजाकर दिखा देता हूं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग में जो फ्लक का साउंड प्ले हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अब सीखते हैं म्यूजिक का आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट सीखे उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का जो म्यूजिक पार्ट है वो हारमोनियम पर प्ले हुआ है। सबसे पहला जो उसमें प्ले हुआ है उसको सीखते हैं। देखिए, यानी सा गा और पा, यानी एफ शार्प का जो मेजर कॉर्ड है
यानी सागा पा में एक दो तीन की प्ले हो रही है, तीनों की को हमें एक साथ 8 बार प्ले करना है। देखिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आगे का पार्ट प्ले होता है, यानी गा पा कोमलनी धा और पा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हारमोनियम का प्ले होगा वो होगा, यानी पा धा पा धा, ये 2 बार प्ले होगा। फिर इसके बाद यानी गा पा और लास्ट में यानी कोमल गा और शुद्ध गा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट प्ले होगा उसको भी सीखते हैं। देखिए, यानी फिर से देखिए आराम से, यानी गा सा, फिर उसके बाद कोमलनी और सा, और लास्ट में 3 बार हमें बजाना है धा। देखिए, इसके बाद आती है दोस्तों नेक्स्ट लाइन, तो उसको भी बजाते हैं फिर उसको भी सीखते हैं। देखिए, यानी गा सा कोमल नी और धा, ठीक है। फिर उसके आगे यानी सा रे कोमल गा और शुद्ध गा, फिर से देखिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हमने इससे पहले लाइन सीखी थी वो फिर से बिल्कुल वैसी की वैसी रिपीट हो जाएगी। देखिए, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट की जो लाइन सीखी थी उसको हल्का सा चेंज होके आपको अब की बार बजाना है। देखिए, यानी पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल वैसी की वैसी है, लास्ट में जो सा रे कोमल गा और ये बजा रहे थे ये ना बजाकर आपको 3 बार सा बजाना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हारमोनियम का जो पार्ट है उसको कंप्लीट एक बार मैं आपको बजाकर दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये म्यूजिक पार्ट है वो कंप्लीट आपका यहाँ हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको कोई म्यूजिक पार्ट या कोई सॉन्ग भजन कुछ भी सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।